नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं प्राणायाम के ऊपर कुछ वीडियोस बना के हमारे चैनल पर लाया हूँ आप लोग सभी के लिए, और जिन वीडियोस को आप सभी ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उन प्राणायाम्स के ऊपर आ रहे हैं। मतलब प्राणायाम के ऊपर आप लोगों का क्वेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत जागरूकता आप लोगों के अंदर है। प्राणायाम की टेक्निक्स की अगर बात करें, एक प्राणायाम योग सूत्र में उल्लेखित है, जो एक प्राणायाम ने एक वरदान है, और अगर उस प्राणायाम के बारे में हम बात ना करें तो उचित नहीं होगा। वो है भ्रामरी प्राणायाम। सभी को भ्रामरी प्राणायाम के कई सारे लाभ और उसके स्टेप बाय स्टेप जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक और प्राणिक लेवल तक भ्रामरी प्राणायाम के लाभ हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको बताता रहूँगा कैसे इसको बेसिक से लेकर एडवांस स्टेज तक प्रैक्टिस किया जाए, और बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका बेनिफिट्स बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, एक साथ बताने में बहुत ज़्यादा समय आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। भ्रामरी शब्द का मतलब क्या है? भ्रमर के जैसा। व्हाट इज भ्रमर? आप बोल सकते हो जो बम्बल बी होते हैं, वास्प। जब कोई भ्रमर उड़ के जाता है आपके सामने से तो गुंजन का ध्वनि आपको सुनाई देता होगा, ए हमिंग साउंड लाइक, और इसी से भ्रामरी प्राणायाम का जो नाम इसको लिया गया है। जो बेसिक लाभ अगर बताए, भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन के लिए एक सुपर ब्रेन योगा का काम करता है। पूरे मस्तिष्क, हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, उसके सारे सेल्स है, वो उससे एक्टिवेट होता है। इसके कारण हमारे भूलने की जो बीमारी है, धीरे धीरे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हम लोग चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, ये हमारा कम हो जाएगा। हमारा ब्रेन हमेशा जागरूक रहेगा। और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम माना गया है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हमारे सारे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन है, वो कंट्रोल होता है, वो भी भ्रामरी प्राणायाम से बहुत अच्छे से चलता रहता है। तो हमारे एजिंग प्रोसेस से कम होता है। तो शुरू करते हैं। बेसिक भ्रामरी हम कैसे करेंगे? हमें सिंपली, बहुत कठिन तरीका नहीं है, बहुत आसान है, सिंपली एक भ्रमर के तरह गुंजन का ध्वनि करना है, लाइक परंतु इसके साथ थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा टेक्निक अपनाना है, ताकि ये जो वाइब्रेशनल जो साउंड है, ये जो है अनुरणन, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव विस्तार करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे दो कान के जो रंध्र है, ठीक है, ये जो कान के छेद है, उसको हम बंद कर लेंगे हमारे इंडेक्स फिंगर से। ये है बिल्कुल बेसिक भ्रामरी। और जो हम के ध्वनि करना है वो कैसे करना है, अगर आप अंग्रेजी में लिखोगे किंग, KING किंग, सिंग SING, तो लास्ट का जो अंग का जो ध्वनि है उस ध्वनि को करना है, ठीक है। तो बस सिंपली करके देखते हैं। एक लंबा गहरा श्वास भरिए, स्पाइन बिल्कुल सीधा, और इन दोनों इंडेक्स फिंगर से जो कान का छेद है उसको बंद कर लेंगे, और धीरे धीरे अंडर कंट्रोल शुरू करते हैं। नाक से श्वास छोड़ना, साथ में भ्रमर का गुंजन, फिर धीरे धीरे नाक से श्वास भरना है। एज फॉर एनी प्राणायाम, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैक्सिमम जो प्राणायाम है उसमें एक्सहेलेशन का जो टाइमिंग है वो इनहेलेशन के टाइमिंग से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला है, आपको श्वास भरना है पूरा आपके लंग कैपेसिटी तक, फिर धीरे धीरे जितना देर पर आप इस श्वास को छोड़ोगे, जितना ज़्यादा समय तक आप इस भ्रमर के ध्वनि को मतलब उत्पन्न कर सकते हो, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे आपने मेरे साथ किया तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस हुआ होगा, ठीक है। इस वाइब्रेशन का और भी कई सारे फायदा है, से हार्मोनल जो बैलेंस है शरीर में बहुत अच्छा हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस। हमें कोई शरीर में कट आ गया, कहीं चोट लग गया, आफ्टर सर्जरी रिकवरी के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। शरीर पे जो दर्द है, दर्द की जो सहन शक्ति है उसको बढ़ा देता है। दैट्स वाई प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्राणायाम है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने बोला जाता है। जो लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, आपके दर्द के सहन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगी।
ठीक है, हमारे माइंड को काम डाउन करने के लिए, एक ध्यानात्मक स्थिति में लेके जाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये कैसे होता है इसके थोड़ा सा साइंस में बताता हूँ। जैसे आपका ब्रेन वाइब्रेट हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे दो बहुत मेजर हार्मोनल ग्लैंड्स है, एक है पिट्यूटरी और पीनियल। पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है, पिट्यूटरी हार्मोन बाकी सारे हार्मोनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए हार्मोनल बैलेंस हमारा अच्छे से हो जाता है। और जो पीनियल ग्लैंड है उसको तो योग शास्त्र में और कई सारे विश्व के कई सारे रिलीजियंस में इसको थर्ड आई के बराबर माना गया है। बोला गया जो थर्ड आई, तीसरा नेत्र जो होता है, वो कुछ नहीं है, पीनियल ग्लैंड ही है। अगर आपका पीनियल ग्लैंड जागरूक हो जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसके एक बेनिफिट, साइंटिफिक बेनिफिट ये है, सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन आपका बढ़ जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन पे थोड़ा सा ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट आता है शरीर में, थोड़ा सा। इसलिए कई योग गुरु बोलते हैं आपको कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो एक अजीब सा मस्ती आपके शरीर में छा जाता है और पार्थिव नशा करने की ज़रूरत नहीं है। यस, ये भी आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको नशा मुक्ति करना है, आपको ड्रग, सिगरेट, दारू, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है, इसका जो टोटल योग थेरेपी होता है उसमें भ्रामरी प्राणायाम के एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है। भ्रामरी प्राणायाम मस्ट एंड शुड डू है। भ्रामरी प्राणायाम से सेरोटोनिन का मात्रा जब आपके खून में बढ़ता है, आपको ऑटोमेटिक एक अजीब सा आनंद महसूस होने लगता है। वो आनंद आपको मन को एकाग्र करने का आनंद है, मन को स्कैटर्ड मतलब बहिर्मुखी करने का आनंद नहीं है, अंतर्मुखी करने का आनंद है। और जितना भी पार्थिव नशा हम करते हैं उसमें क्या होता है, आपका मन जो है और दिमाग बहिर्मुखी हो जाता है, रिसेप्टर्स गेट स्कैटर्ड टू एवरीवेयर। बट इसका जो नशा है उसमें आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ही अंदर इतना आनंदित अनुभव करोगे जिसका कोई विवरण नहीं कर सकते, और उसी लिए धीरे धीरे आपको ध्यानात्मक स्थिति में आने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। चलिए अगला स्तर पे जाते हैं, फिर और कुछ बेनिफिट बताऊंगा। अभी इसी भ्रामरी प्राणायाम को हम जब और थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमने जो गुंजन का ध्वनि लंबे समय तक करना सीख गए, तब हमें क्या करना है, इसमें हमें कुंभक लगाना सीखना है। जैसे कि आप सबको पता ही है कुंभक दो तरह का है, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो ये जो भ्रामरी है, एक्सहेल स्पेसिफिक प्राणायाम, इसमें हमें एक्सहेलेशन करते हुए साउंड करना है, तो हमें पहले अंतर कुंभक लगाना होगा। सिंपल मतलब है, हम पहले जब श्वास को भर रहे हैं, श्वास को भरने के बाद कुछ देर तक उसको होल्ड करेंगे, तुरंत हम एक्सहेल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। जैसे कि आपने अगर चार की गिनती में श्वास लिया तो कोशिश कीजिए 16 की गिनती तक श्वास को रोक के रखेंगे अंतर कुंभक। अप्रॉक्स 16 की गिनती होने के बाद फिर धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम, वंस अगेन बहुत अच्छा। अब इससे एक स्टेप और एडवांस आपको लेके जाएंगे, जिसमें इसी प्राणायाम में अब हम कुंभक के साथ साथ बंध भी लगाएंगे और साथ में चर्चा करेंगे कुछ हस्त मुद्रा जो कि इस प्राणायाम के लाभ को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएगा और आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। अभी आते हैं कुछ और बेनिफिट्स में, बीच में बताता हूँ। जो सेरोटोनिन हार्मोन का क्षरण होता है उसमें कुछ और फायदा होता है, जैसे आपकी नींद की प्रॉब्लम, जिन लोगों को नींद नहीं आता, इंसोम्निया के प्रॉब्लम, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को बहुत आराम से नींद आ जाएगा। तो बेड टाइम में भी जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, बेड टाइम में इस प्राणायाम को करना चाहिए। सोने से थोड़ी देर पहले कर ले, करीब 7 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत अच्छी नींद आएगी। जो लोग माइग्रेन के शिकार है, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम सताते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फायदेमंद है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो हेमिस्फीयर से दोनों में बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। जैसे जैसे एज बढ़ता है, हम देखते हैं कुछ बुजुर्ग लोगों का चलने फिरने का बैलेंस खत्म हो जाता है, उनको कराइए, बहुत अच्छा है। और साथ ही में कराइए छोटे बच्चों को, जो जिनका एज ग्रुप 7 साल से लेकर 12 साल तक है। ये 7 से लेकर जो 12 साल का टाइमिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में,
बचपन से लेके एडोलेसेंस तक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारे हार्मोनल प्ले हमारे बॉडी में होता है जो कि इमोशनल भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर, बच्चों के शरीर के अंदर। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, 7 से लेकर 12 साल के बीच में अगर वो भ्रामरी प्राणायाम करता रहेगा तो इसका जो एक जर्नी है, बच्चे का जो जर्नी है, उसमें वो साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट रहेगा। उसका जो मेमोरी रिटेंशन पावर है वो भी, वो समय है जब उसके स्टडी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो मेमोरी रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आते हैं भ्रामरी की आखिरी स्टेज, जिसमें कि हम इस कुंभक के साथ साथ बंध भी लगाएंगे। दो बंध हमें लगाना है, फर्स्ट इज मूल बंध और दूसरा जालंधर बंध। पूरा श्वास को खींचने के बाद सबसे पहले आप जालंधर बंध लगाओगे, थ्रोट लॉक यहाँ पे इस तरह से, अपने एपिग्लॉटिस को थोड़ा सा होल्ड कर लोगे, स्क्वीज कर लोगे, और उसके तुरंत बाद अपने एनस को, हमारे जो पायु है वहां के मसल्स को ऊपर की तरफ होल्ड कर लेंगे, ऊर्जा को अंदर होल्ड करके रखेंगे, फिर हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। बट इस बार जब आप भ्रामरी करोगे थोड़ा सा मुद्रा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इस वाइब्रेशन को और अच्छे से फील करने के लिए, साथ ही साथ आंखों के रोशनी को बढ़ाने के लिए, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं भ्रामरी के इस जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उससे। हम क्या करेंगे, होल्डिंग जो है ऐसे ना करके थंब से, दोनों थंब के टिप से हम अपने कान को, कान के छेद को बंद करेंगे, जो स्मॉल लोब ऑफ द ईयर है यहाँ पे छोटा सा लोब होता है उसको भी हम दबा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अंगूठे के टिप को कान के अंदर डालें, जो स्मॉल लोब है उसको हम लॉक कर देंगे। बाकी के जो चार उंगलियाँ हैं इसको हल्का सा कप शेप में मोड़ेंगे, इस तरह से हल्का सा कप शेप में। फिर क्या करेंगे, थंब से कानों को बंद करेंगे और जो कप शेप्ड है उसको आँखों के ऊपर, आई बॉल्स के ऊपर प्लेस करेंगे। ध्यान दीजिए, प्लेस करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमें करना है भ्रामरी, ठीक है, एक तरीका हो गया। चलिए इसको करके देखते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, होल्ड अंतरकुंभक, जालंधर लॉक, मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींच लीजिए, होल्ड करें, मूल बंद को खोलेंगे, जालंधर बंद को खोलेंगे, आंखों के ऊपर इस चार उंगली को धीरे से रखेंगे हल्का सा कप शेप में, शुरू करें। अभ्यास के साथ साथ इसके टाइमिंग को और बढ़ाना है। अंत में एक गोल्डन टेक्निक, एक ऐसा मुद्रा जो सबसे अच्छा माना गया है भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए, ओवरऑल बेनिफिट, सारे शरीर के जो नर्व्स हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सबको ठीक करने के लिए, आपके मस्तिष्क के जो संचालन शक्ति उसको सबसे अच्छा बढ़ाने के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, जितने क्रैनियल नर्व्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए षणमुखी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। षणमुखी मुद्रा वो क्या होगा, सेम कानों को हम थंब से लॉक करेंगे अपने अंगूठे के टिप से, इंडेक्स फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर, अगर आप धीरे से हाथ को चलाएंगे इस तरह से, एक जगह पे हल्का सा आपको एक डिप्रेशन, एक कट महसूस होगा, हड्डी के बीच बीचों बीच आपको मिलेगा, देखिए एक जगह पे आपको फील होगा थोड़ा सा दरार जैसा, वहां से क्रैनियल नर्व बाहर निकलता है तो एक पॉइंट हो जाएगा, दोनों आंखों के एज दूसरा पॉइंट, हमारे नाक के इस कॉर्नर पे यहाँ पे भी आप देखोगे जहाँ पे, हाँ यहाँ पे तीसरा पॉइंट, और होठों के साइड में इधर चौथा पॉइंट, तो ये होगा आपका षणमुखी मुद्रा। तो इस बार हम करेंगे षणमुखी मुद्रा के साथ, ये हमारा भ्रामरी का आखिरी प्रैक्टिस होगा। चलिए शुरू करते हैं, लंबा श्वास भरे, कुंभक लगाएंगे एज इट इज, फिर हम लॉक करेंगे जालंधर बंद और मूल बंद, थोड़ी देर बाद 16-17 काउंट के बाद मूल बंद को पहले खोलेंगे,
फिर जालंधर बंद को खोलेंगे, फिर षणमुखी मुद्रा में तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर, एक अद्भुत वरदान योग सूत्र का। इसको अभ्यास ज़रूर करें, इसका बेनिफिट्स को आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। करने के बाद आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी संदेह है, कुछ भी आपको और जानना है, ज़रूर कमेंट में लिखिए। अपने अपने अभ्यास के स्तर के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल बिगिनर्स से स्टार्ट करना है। अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो जो एडवांस स्टेज मैंने बताया उससे शुरू कर सकते हो। योग के बारे में और कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेरी है, तो ज़रूर हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, थोड़ा सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल बटन को दबाइए। आगे बहुत सारे अच्छे सरप्राइज और बहुत सारे अच्छे टेक्निक्स योग के ऊपर आने वाला है हमारे चैनल में। धन्यवाद।